अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रेवा बेटा, श्रुति तुम्हें अपने लिए लकी मानती है, तो क्यों ना तुम इस रस्म की शुरुआत तुम पहले श्रुति को मेहंदी लगाकर करो। हे भगवान, शकुन की मेहंदी रेवा को लग गई। फिर से अपशकुन हो गया। चले मातरमा, ये तो वही लड़का है। ये क्या किया तुमने? हमें माफ कर दीजिए श्रुति दीदी, वो पता नहीं कैसे गलती से लगा और हमारा हाथ मेहंदी पे। गलती से भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? मेरी शकुन वाली मेहंदी, मेरी राज की छुई हुई मेहंदी। मामा, बिजली, वो लड़का भी यही है, हमारी तरह भेष बदल कर आया है लुगाई बनकर। कौन लड़का? रीता जी। अरे वो जो रेवा से शादी किए थे, हीरो जैसा लगता था वो। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब वो रेवा भी यहीं कहीं आसपास है। लगता है कुछ पंगा हो गया वहां पे। सॉरी श्रुति, वो मैं गलती से रेवा से टकरा गई। सॉरी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, वो मुझसे ही धक्का लग गया था पीछे से। और रेवा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुमने जानबूझकर थोड़े ना किया है। देख कर आता हूं। मेरी जगन वाली मेहंदी तुम्हारे हाथों में कैसे लग सकती है रेवा? बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। ये तो क्या तेरे घर से आई हुई मेहंदी गलती से रेवा के हाथ में लग गई? ये
इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मेहंदी तो लगी है। हाँ, तू तो जैसा श्रुति को जानता ही नहीं है, दो तीन बार कोई जरूरी बात कर ले तो इनसिक्योर हो जाती है वो। रास तो पूरी की पूरी मेहंदी लग गई है, ज्वालामुखी बन के बैठी है, कभी भी फट सकती है। श्रुति बेटा, मामा मेरे हाथों में क्या लगेगा? जाने दो, जो हो गया सो हो गया, उसने जानबूझ कर नहीं किया बेटा। श्रुति दीदी रुक, मैं पता करके आता हूँ। अरे पागल है क्या, मरवाएगा क्या? अभी उठा के फेंक देंगे हमें बाहर। जो आपका है, वो तो आपका ही रहेगा ना। और वैसे भी मेहंदी हमारे हाथ में जरूर लग गई है, पर उससे वो मेहंदी हमारे नाम की थोड़ी ना हो जाएगी। और गलती है, सुधारी भी तो जा सकती है ना। सॉरी रेवा, मुझे माफ कर दो। वो एक्चुअली जब भी राज की बात आती है ना तो मुझे कुछ हो जाता है, तुम तो जानती हो ना। और वैसे भी तुम हमारे बीच में थोड़ी आओगी, हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। तुम तो हमारे साथ में खड़ी रहोगी, हमारी लकी चाप बनकर, है ना? हैशटैग लकी चाप फॉरएवर। हार लगता है, बहुत बड़ा पंगा हो गया। रुक, तू ठीक तो है ना श्रुति? राजवीर की आवाज कहां से आ रही है? सहरी साहब यहां? यहां कैसे हो सकते हैं? राज थाना यहां? मामा राज? अरे वहम हुआ होगा, राज यहां कैसे आ सकता है? हाँ, राज यहां कैसे हो सकता है? हम वो हाथ धोके आते हैं। दादी आप क्या करेंगे, रेवा तो हाथ धोने जा रही है। श्रुति तू ही मेरी पत्नी बनेगी और इस घर की बहू भी।